सतगुरु सदगति करता है। द सदगुरु ब्रिंग्स अबाउट सदगति। काय की सदगति करता है पहले? विद सदगति डज ही मेक्स अस अटेन फर्स्ट। पहले शरीर की सदगति होगी या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होगी? फर्स्ट विल द बॉडी अटेन सदगति और विल द सोल इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट अटेन सदगति? मन बुद्धि रूपी आत्मा की पहले सदगति हो। द सोल इन द फॉर्म ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट अटेन्स सदगति फर्स्ट। कैसे पता चले कि मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हुई? हाउ विल वी कम टू नो आर माइंड एंड इंटेलेक्ट लाइक सोल हैज अचीव्ड सदगति? ज्ञान के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज। कैसे? हाउ? हाँ, मनन चिंतन मंथन अगर बुद्धि में चलता है और श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, मनन चिंतन मंथन की गति राइट वे में चलती है, तो साबित होता है कि अब हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा सदगति की ओर है। स्टूडेंट रिप्लाइड, यस, इफ द थिंकिंग एंड जर्निंग टेक्स प्लेस इन द इंटेलेक्ट एंड एलिवेटेड थॉट्स आर जनरेटेड एंड इफ द थिंकिंग एंड जर्निंग गोज ऑन इन द राइट वे, इट प्रूव्स दैट आर माइंड एंड इंटेलेक्ट लाइक सोल इज गोइंग टुवर्ड्स सदगति। और अगर दुष्ट संकल्प चलते हैं, देह अभिमान के संकल्प चलते हैं, इसे साबित होता है कि आत्मा दुर्गति की तरफ। एंड इफ विकेड थॉट्स और थॉट्स ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस आर जनरेटेड, इट प्रूव्स दैट आवर सोल इज गोइंग टुवर्ड्स दुर्गति। तो 76 से बाप का पार्ट तो शुरू होता ही है, लेकिन साथ साथ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों के लिए सतगुरु का भी पार्ट शुरू होता है। सो द रोल ऑफ द फादर इंडीड स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर 1976, बट अलोंग विद द पार्ट ऑफ द फादर द रोल ऑफ द सतगुरु ऑल्सो बिगिंस फ्रॉम फॉर द चिल्ड्रन नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ। सतगुरु अर्थात सदगति देने वाला। पहली पहली सदगति किसकी करता है? सदगुरु मीन्स द वन हु ब्रिंग्स अबाउट सदगति। विच सदगति डज ही ब्रिंग अबाउट फर्स्ट? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति शुरू होती है। द सदगति ऑफ द सोल इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट स्टार्ट्स फर्स्ट। तो सदगुरु मिला दलाल कब से मिला है? सो दे सिंग सदगुरु मिला दलाल। द सदगुरु वॉज फाउंड एज द मिडल मैन। फ्रॉम व्हेन डिड यू फाइंड हिम? कब से मिला सदगुरु? 76 से कहेंगे सदगुरु मिला दलाल। फ्रॉम व्हेन डिड यू फाइंड द सदगुरु? स्टूडेंट रिप्लाइड, इट विल बी सेड सदगुरु वॉज फाउंड एज अ मिडल मैन फ्रॉम द ईयर 1976। अगर आत्मा में मनन चिंतन मंथन नहीं चलता तो अव्यक्तवाणी में बोला आत्मा डिफेक्टेड है। If thinking and churning doesn't go on in the soul, it was said in the Avyakt Vani, the soul is defected. फिर उसकी सदगति नहीं हुई। Then his sadgati wasn't brought about. आत्मा ही defected है तो शरीर कैसे defect से परे हो जाएगा? If the soul itself is defected, how will the body go beyond defects? मन तो बीज है, जैसे संकल्प चलेंगे वैसा ही शरीर बनता है। द माइंड इज इंडीड अ सीड। एज आर द थॉट्स दैट आर जनरेटेड सो इज द बॉडी मेड।